नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। प्रदूषण से हालात बिगड़ रहे हैं और इन हालातों को काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुनवाई हो रही है। प्रदूषण से हालात बिगड़ते ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली NCR में अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेजेस और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए। प्रदूषण के हालातों को लेकर मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ से AQM ने बैठक की है, जिसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। 22 नवंबर को सरकारों को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। 21 नवंबर तक दिल्ली NCR में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने को कहा गया है। वर्क फ्रॉम होम मोड न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट ऑफिसेज में भी लागू होगा। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दे दी गई है। तो प्रदूषण है कि जाता नहीं और सरकार है कि कुछ करती नहीं, ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम जनता सोशल मीडिया पर पूछ रही है। ऐसे तमाम मीम्स भी बन रहे हैं कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर कहती हुई नजर आती है, केंद्र सरकार पर पल्ला झाड़ती है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारों को एकजुट होना चाहिए, इस पर बड़ा फैसला लेना चाहिए, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, बड़े आदेश दिए गए हैं। वो आदेश भी मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताऊंगी। फिलहाल जानकारी आपको दे दूं कि दिल्ली NCR के स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई हैं। गाड़ियों से प्रदूषण ज्यादा ना हो तो इसके मद्देनजर ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है। जो जरूरी सामान ढोते हैं ट्रक, सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी। बेवजह ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन सिर्फ दिल्ली में ऐसा होना सही नहीं है, दिल्ली NCR में भी ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए ताकि प्रदूषण पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। क्योंकि हर बार सरकारें जो हैं दूसरे राज्यों को पराली जलाने को लेकर अपने हाथ खड़े कर देती है कि पराली की वजह से प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि पराली से सिर्फ 10% जो प्रदूषण है वो होता है। पुराने वाहन बैन करने में कितना वक्त लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे सवाल करता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जब दिवाली पर पटाखे पूरी तरह से बैन थे तो आखिर इजाजत कैसे मिली, आखिर पटाखे क्यों फोड़े गए, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से पूछे हैं। प्रदूषण पर 10 बड़े फैसले क्या हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो प्रदूषण पर 10 बड़े फैसले लिए गए हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ एक धुंधली चादर जो है वो छाई हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर तस्वीरें आप देख सकते हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो घरों से बाहर निकलते हैं, वो तो जीता जागता उदाहरण है। वो किस तरह से जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं वो सारी तकलीफ बताते हैं और कहते हैं कि वो रोजाना जब निकलते हैं उनकी आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर बात हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन क्या विकल्प है? हर साल ये स्थिति आती है, लॉकडाउन जैसी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए तो ग्राफिक के जरिए आपको बताती हूं कि प्रदूषण पर 10 बड़े फैसले क्या क्या लिए गए हैं। तो राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली NCR के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। कमीशन ने डीजल जनरेटरों यानी कि DG सेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाले मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका क्या असर रहा, इसे लेकर हर दिन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी निगरानी करेंगे। तो ये वो चीजें हैं, जो बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं प्रदूषण को लेकर, वो हमने आपको बताए हैं कि किस तरह से जो सरकारी दफ्तर हैं, जो प्राइवेट दफ्तर हैं, उनमें वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा फोकस रहेगा। जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं 15 साल पुरानी, जो डीजल की गाड़ियां हैं 10 साल पुरानी, वो सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी।
और नोएडा से मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, नोएडा में जो AQI लेवल है वो 500 का आंकड़ा छू रहा है, दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। आज सुनवाई भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या एक्शन, आगे किस तरह से प्रशासन काम करेगा? प्राधिकरण की तरफ से जो निर्देश दिया गया है वो यह है कि जैसा भी निर्माण कार्य हो, यानी हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर अब 7 दिन के लिए बिल्कुल रोक लगा दी गई है। इसके अलावा RMC हॉट मिक्स प्लांट व डीजल जनरेटर का इस्तेमाल पर भी पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लगाई गई है। यानी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो चाहे नोएडा प्राधिकरण हो, ये एकदम सख्त है, क्योंकि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है जो इनकी चिंताओं को बढ़ा रहा है और लोगों को इससे अब परेशानी होनी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर के साफ तौर पर कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा चाहे वाटर लाइन की हम बात करें, अलग अलग जगह पर उनको निर्धारित किया गया है कि जहां पर भी धूल वाली जगह है, ऐसे रोड है, वहां पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। और इसके अलावा नोएडा में जो प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर है उसका भी आज उद्घाटन होगा। तो क्या समय है भूपेश उद्घाटन का, क्योंकि स्मॉग टावर पहला है नोएडा का और जरूरी भी है, अब इसकी याद आ रही है, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। नोएडा में जो है उत्तर प्रदेश के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जो है वो इसका शुभारंभ करेंगे और ये नोएडा फिल्म सिटी के पास है, वहीं पर इसका उद्घाटन होना है। और अब करीब 12:30 का समय है जब वो पहुंचेंगे और उसके बाद उद्घाटन इसका किया जाएगा। और इससे क्योंकि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं कंट्रोल जो पॉल्यूशन है उसको, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में जो राहत है वो इसके द्वारा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, नोएडा में और क्या कुछ अपडेट है भूपेश, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार ये कहती है कि दिल्ली NCR में भी कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेने की जरूरत है, तो ऐसे में NCR में क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? क्या स्कूल कॉलेजेस शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद कर दिए जाएंगे? क्या वहां पर भी कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में ऐसी सारी चीजें हो रही है? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए तो आदेश जारी हो चुका है, तत्काल प्रभाव से आदेश जारी हुआ है कि अगले 4 दिन तक, चाहे वो निजी कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो, उस पर अगले 4 दिन के लिए बिल्कुल रोक लगा दी गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा काफी ऐसे नियम है और कड़े निर्णय है जो लिए गए प्राधिकरण के द्वारा, चाहे वो अलग हो, जनरेटर पर रोक लगा दी गई है, RMC हो, हॉट मिक्स प्लांट हो, इन सब चीजों पर पूर्ण रूप से रोक है। अगर इनका कोई यहाँ पर अगर इसको नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ प्राधिकरण के द्वारा कठोर कार्रवाई होगी और NTC के जो नियम है उनको लागू करने की जो है पूरी तरह से जो प्राधिकरण की टीम है वो लगी हुई है। बिल्कुल, और इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ करा जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ही कारण है इस प्रदूषण का, तो लोगों को जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, नोएडा पुलिस हो या समाज सेवी हो, वो लोगों को लगातार जागरूक करते हैं इस चीज के लिए कि पॉल्यूशन को हम ना फैलाएं और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें शामिल है। जिस तरह से वाहनों की जो है वाहन बढ़े हैं उसकी वजह से भी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति यदि अगर नोएडा से दिल्ली के लिए जाता है तो अलग अलग एक ही परिवार से लोग जाते हैं तो अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं, तो इसको लेकर भी लोगों से कहा जाता है कि आप कार पुलिस का इस्तेमाल करें, एक ही कार से जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियों से आप जाएंगे, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे उतना पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और देखिए नोएडा प्राधिकरण हो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, इनकी तरफ से एहतियात के तौर पर काफी ऐसे कदम है जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो नजर है वो नाकाफी नजर है। जी बिल्कुल, अगर भूपेश बात की जाए आज की, तो आज की आबोहवा कैसी है नोएडा की, क्योंकि आज जो सूरज निकला हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी एक परत जो है वो आसमान में दिखाई दे रही है धुएं की। देखिए अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो आज ग्रेटर नोएडा में सुबह के समय जो AQI था वो 354 था, नोएडा में वो 400 के पार था, और अभी भी जो स्मोक की छटा है वो चारों तरफ आपको दिख जाएगी। हालांकि और दिन से थोड़ी सी आज राहत जरूर दिखी है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो कम हो गया है। पॉल्यूशन अभी उसी स्तर पर है, लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है, खासकर जो लोग पैदल बाहर चलते हैं, बाइक से बाहर निकलते हैं, उन लोगों को आंखों में जलन की परेशानी है, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भूपेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
तो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो या फिर गुड़गांव फरीदाबाद हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का असर है वो देखने के लिए मिल रहा है। खासकर अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर कई बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनी है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर जब बढ़ता है तो ये फैक्ट्रियां और कंपनियां जो है उसमें और ज्यादा बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से अभी नोएडा में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई है। दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। इसका असर कितना होता है तो कुछ दिनों में पता चल पाएगा, लेकिन हर साल ऐसी समस्या जो है वो बनी रहती है। हर साल जो प्रदूषण का स्तर है वो ज्यादा ही होता है, कम होता हुआ नजर नहीं आता है, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार कई बार फॉर्मूले लेके आती है, चाहे वो ऑडियमन का फॉर्मूला हो, चाहे वो रेड लाइट पर इंजन ऑफ करना हो, ये फॉर्मूले फिर भी कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। दिवाली के बाद से ही इस तरह की तस्वीरें रोजाना देखने के लिए मिलती हैं। प्रदूषण का जो स्तर है वो हाई लेवल पर पहुंच चुका है, आम जनता परेशान है, कई तरह की बीमारियां इस प्रदूषण की वजह से हो रही हैं, लेकिन ऐसा शायद लोगों को फिर भी नहीं दिख रहा है। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर भी प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है, किस तरह की तैयारियां देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में प्रदूषण ज्यादा है और 300 से ऊपर जो है लगातार प्रदूषण बना हुआ है। अब ऐसे में अगर गाजियाबाद प्रशासन की बात की जाए तो वो लगातार जो है छिड़काव कर रहे हैं, सबको प्रदूषण, उनका मकसद खासकर ऊपर ही है और उसी को लेकर वो लगातार छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात की जाए, खासकर सीडीए और नगर निगम पर कई तरह के जुर्माने भी लग रहे हैं कि निर्माण कार्य जो है वो रोक देना चाहिए था, या फिर जिसमें जो खुले में सामग्री रखी हुई है उस पर भी यह है जो जोर दिया जा रहा है कि उनको ढक कर रखा जाए, और अगर कोई ऐसा नहीं रखता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरह से जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो 15 साल पुरानी और जो डीजल की गाड़ियां हैं वो 10 साल पुरानी जो है सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी, गाजियाबाद में क्या कोई ऐसा एक्शन लिया गया है? क्योंकि गाजियाबाद में हम देखेंगे कि निजी वाहनों के साथ साथ जो सार्वजनिक वाहन है वो भी धड़ल्ले से चलते हैं और कई साल पुराने होते हैं, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में ऐसे बहुत से वाहन मिल जाएंगे जिनकी जो एज है वो पार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की जो व्यवस्था है वो नाकाफी है और वो गाड़ियां सड़क पर धड़ल्ले से चलती रहती हैं। और इसके अलावा अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो कितनी गाड़ियां अनफिट दिख जाएंगी कि उनको लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती और वो सड़कों पर लगातार उसी तरह से फर्राटे भर रही होती है। बिल्कुल जितेंद्र, तो ऐसे में क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है, सरकार क्या कदम उठाएगी आगे, कोई चर्चा, कोई बैठक? जी देखो, इसमें अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के जो यातायात एसपी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इन दिनों जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है ऐसे में वो तमाम उन गाड़ियों पर नजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं उन तमाम गाड़ियों पर चालान काटना और उनको सीज करने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि फिलहाल नवम्बर का वक्त है और ये यूपी पुलिस के लिए यातायात माह का एक सप्ताह होता है, तो इसके चलते जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद नोएडा के क्या हालात हैं वो तो हमने जान लिए हैं, दिल्ली के हालात लगातार मैं आपको बता रही हूं। इसके अलावा कई और शहर भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं और उत्तर प्रदेश के ही ये शहर बताए जा रहे हैं, चाहे वो आगरा हो, बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, ये भी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद को अहम माना जाता है क्योंकि यहाँ का जो AQI है वो बहुत ज्यादा हाई है, इंडस्ट्रियल एरिया है और कई नदियां कई नाले यहाँ पर बड़े पैमाने पर बहते हैं। तो ऐसे में सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, जो दूसरे प्रदूषण है वो भी फैल रहे हैं, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे वो कूड़े के माध्यम से हो, तो इन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है अगर भविष्य में आने वाली पीढ़ी को एक वातावरण बहुत अच्छा देना है, तो प्रदूषण पर अभी रोक लगानी होगी। अगर अभी रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, कई तरह की बीमारियां और ज्यादा सामने आ सकती हैं। तो प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR के स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों की अगर बात की जाए तो 1.5-2 साल में कई बार स्कूल खुले लेकिन उसके बाद बंद कर दिए, कभी कोरोना के कारणों से, बढ़ते मामलों की वजह से, तो कभी प्रदूषण की वजह से। फिलहाल जो स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं वो बढ़ते प्रदूषण की वजह से एक बार फिर बंद किए गए।